दोस्तों अब हम देखते हैं मार्च महीने में निफ्टी में क्या हुआ। लेकिन अगर आप ये वीडियो डायरेक्टली देख रहे हैं तो पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट पार्ट जरूर देखें, जिसमें हमने बताया है कि हमने क्या उम्मीद की थी। बेस की जानकारी पहले चाहिए ताकि हम इसको रिलेट कर सके। तो दोस्तों अगर आपने पहला वीडियो देख लिया है, आइए मेरे साथ हम बात करें असल में मार्च में हुआ क्या। दोस्तों मार्च महीने में जैसा हमने उम्मीद किया था, बाजार 6794 था। हमारा पहला टारगेट क्या था? 16,067, याद है ना? देखो बाजार 18605 से दो महीना टूटा, 80% रिकवर हुआ, ये ए, ये रिकवरी बी। अगेन हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि जितना ए उतना मिनिमम टूटे 2200 पॉइंट, राइट? तो यहां पे सी में हमें उम्मीद क्या थी कि बाजार कम से कम 16,067 तक आना चाहिए, जो कि मार्च के चौथे ही दिन बाजार 16,067 आ गया। तो जब बाजार ने 16,067 की लो लगा दी, तब आपका 2200 पॉइंट्स का जो एक टारगेट लेके जो आप चल रहे थे कि बाजार इतना गिरना चाहिए सी फॉल में, ये दोस्तों क्लियर हो गया। दोस्तों आप टारगेट लेके चल रहे थे कि 2200 पॉइंट प्राइस वाइज और 2 मंथ टाइम वाइज, ये दोनों हमारी सी की उम्मीद थी। हुआ क्या मार्च में? 16,067 तो ये 2204 पॉइंट क्लियर। लेकिन दोस्तों बाजार यहां पे रुका नहीं, तो 16,067 से अगर नीचे बाजार जाता है तो क्या? दोस्तों हमने आपको मार्च महीने में और एक जगह बताई थी, अगर बाजार यहां सपोर्ट नहीं ले पाता है तो 16,067 के नीचे जो भी डेप्थ बनती है दैट शुड बी योर बेटर अपॉर्चुनिटी। पर ये डेप्थ 15,340 तक की बन सकती है। दिस वॉज योर सेकंड टारगेट ऑफ मार्वलस मार्च 15,340। पर ये जो पूरी रेंज है 16,067 के नीचे की रेंज, ये रेंज आपके लिए गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों बाजार आठवें ही दिन मार्च के बाजार 340 तो नहीं आया, पर 15,671 तक जरूर आया। दोस्तों 8 मार्च निफ्टी वॉज एट 15,671, एक लो लगा और इस लो में आपको एक और डेप्थ की बाइंग अपॉर्चुनिटी मिली। दोस्तों जो मैंने आपको 8 मार्च बताया, जबकि ये नया 15,671 का लो लगा, ये दोस्तों आखिरी लो था और आखिरी दिन था आपके सी वेव का। दोस्तों सी का वो आखिरी दिन और जो हम एक्स वेव एक्सपेक्ट कर रहे थे रिकवरी की, ये एक्स वेव का फर्स्ट डे था। दोस्तों पहले ही दिन ह्यूज बाइंग बाजार में दोस्तों हमें दिखाई दिया। हालांकि अगर ये पूरा ए बी सी को अगर हम कंबाइन करें तो दोस्तों ये ए बी सी में टोटल 2933 पॉइंट्स निफ्टी डाउन आया, जिसे हम कह सकते हैं इट वॉज द कट ऑफ 16%। दोस्तों 16% बाजार नीचे आया ये समय पे। लेकिन दोस्तों हम जनरली ये कहते हैं कि स्टॉक्स में 50% फॉल इज अ नॉर्मल फॉल, पर इंडेक्स में दोस्तों 23.6% फॉल शुड बी ट्रीटेड एज अ नॉर्मल फॉल। दोस्तों 23.6% का फॉल कोई बड़ा फॉल नहीं है, ऐसे फॉल आप बहुत बार देखोगे। दोस्तों पास्ट में क्या आपने ऐसे फॉल देखे हैं? दोस्तों 2002 हमने दोस्तों करीबन 50% प्लस का फॉल देखा था। दोस्तों 2008 का जो फॉल आया इट वॉज 65% प्लस फॉल। दोस्तों 2011 में
2015 में अगेन 25-30% का फॉल, और अभी लेटेस्ट 2018 से तो पूरी दुनिया में दोस्तों ग्लोबल मंदी चल रही थी, और 2019 में कोविड आया। दोस्तों ये समय पे भी आपने निफ्टी में कितना फॉल देखा, 40% का फॉल इस समय भी। तो दोस्तों इससे हमें हिस्ट्री देख के ये सीखने को मिलता है कि 23.6% एक एवरेज फॉल है, इतना फॉल आएगा ये उम्मीद रखनी चाहिए कभी भी। ये पिछले 20 साल में 1, 2, 3, 4, 5 दोस्तों 5 बार आप 25% प्लस के फॉल देख चुके हो, आने वाले 20 साल में भी आप ऐसे फॉल देखोगे, राइट। अभी तो बाजार 16% टूटा है, तो ये 16% में अगर हम हाल बेहाल हो जाएंगे, अरे बाप रे कितना गिरा बाजार, तो क्या होगा, नॉर्मल तो ये है, राइट। तो प्रिपेयर रहने का दोस्तों, वी शुड बी कैश रिच ड्यूरिंग एनी फॉल, राइट। अब दोस्तों आप बोलोगे पीयूष भाई ये तो निफ्टी में है, निफ्टी में इतने बड़े बड़े फॉल आ रहे हैं, यूएस में थोड़ी ना इतने बड़े फॉल आते हैं। दोस्तों जितने फॉल आपने निफ्टी में देखे उतने ही फॉल हमने डाउ जोन्स में देखे हैं, फिर चाहे वो 2002 का फॉल हो, चाहे 2008 का फॉल हो, चाहे 2015 का फॉल हो, या चाहे 2008 के बाद की मंदी जिसमें कोविड इंक्लूड है, ये सारे ही फॉल में डाउ जोन्स ने भी इसी प्रकार से फॉल में पार्टिसिपेट किया है। तो दोस्तों फॉल के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए, और फॉल के बाद जो जबरदस्त रैली आती है उसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए, पर हमें तेजी मंदी दोनों को लेके चलना चाहिए, राइट फ्रेंड्स। यहां पे एक चीज के लिए जरूर प्रिपेयर रहना चाहिए दोस्तों कि हम पोर्टफोलियो कैसा बनाते हैं। फर्ज कीजिए मैं डाउ जोन्स को निफ्टी से कंपेयर करता हूं, तो आपने लार्ज कैप स्मॉल कैप तो सुना ही होगा, इंडाइसिस। दोस्तों वैसे अगर पूरी दुनिया का मार्केट कैप देखे तो दुनिया में डाउ जोन्स इज अ लार्ज कैप, और डाउ के सामने अगर हम निफ्टी रखेंगे तो निफ्टी इज अ स्मॉल कैप। अभी तक के जितने फॉल थे दोस्तों, एक शब्द अगर आपने सुना हो अल्फा एंड बीटा, मैंने काफी चीजें लिख दी है, मैं इसमें रब कर देता हूं, पर अल्फा और बीटा आपको निफ्टी और डाउ जोन्स में आसानी से पता चलेगा। दोस्तों अल्फा आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के बढ़िया रिजल्ट बताता है, तो अल्फा अच्छा यानी वो इंडेक्स या वो शेयर बढ़िया रिटर्न देता है, पर बीटा में ऐसा नहीं है। निफ्टी का बीटा अभी तक डाउ जोन्स से हाई हुआ करता था। बीटा यानी क्या, बीटा वॉलेटिलिटी बताता है। दोस्तों बहुत लोग को लगता है हाई वॉलेटिलिटी यानी हाई फायदा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्मॉल कैप हाई वॉलेटिलिटी होती है, तेजी में जबरदस्त दौड़ते हैं पर मंदी में उससे भी बड़ी मार पड़ती है। तो जब आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के रिटर्न देखते हो तो अल्फा उसका अच्छा नहीं होता है, वो तो आपको कहानियां जब सुनाई जाती है तब बोलते हैं मेरे 100 के 1000 हो गया, पर वो लोग ये नहीं बताते कि वो 2000 से 1000 कैसे हुआ था, राइट। तो बीटा हाई होता है स्मॉल कैप का, पर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम रिटर्न कौन देते हैं, अल्फा लार्ज कैप्स। वैसे ही अभी तक के अगर हम देखें तो निफ्टी का बीटा बहुत हाई होता था, बहुत यानी कितना, जब जब बाजार टूटा यानी जब जब निफ्टी टूटा, जब जब डाउ जोन्स टूटा, ऑलमोस्ट हर बार निफ्टी ने डाउ जोन्स से टूटने में ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, और वो भी कितना, करीबन 40-50% हम डाउ जोन्स से ज्यादा टूटते थे। 40-50% यानी अगर कोई टाइम डाउ जोन्स में 50% का फॉल आया है, 50%, तो इसका 50% कितना हुआ, 75% का फॉल हम इधर की कंपनियों में देखते हैं या इधर इंडाइसिस में, तो 40-50% ज्यादा बीटा निफ्टी का होता था, जिससे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डाउ जोन्स के रिटर्न अच्छे होते थे। लेकिन दोस्तों उसके सामने हम ये भी जानते हैं कि 20वीं सदी में यूएस का जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त था एंड इंडिया वॉज नॉट परफॉर्मिंग। जब इंडिया परफॉर्म नहीं करता था तो इंडिया का बीटा भी हाई था। पिछले दोनों फॉल में दोस्तों हम देखे तो निफ्टी ने बढ़िया परफॉर्म किया है, यानी अब हम ये मान सकते हैं कि निफ्टी का बीटा डाउ जोन से कम हो गया है। अभी ये इसलिए हो रहा है क्योंकि 21वीं सदी का परफॉर्मर कौन है, आपका भारत,
दोस्तों भारत का जीडीपी ग्रोथ जबरदस्त तेजी से बढ़ रहा है, हम यूएस को डबल आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट आपको अल्फा बीटा दोनों में आएगा, राइट। आने वाले समय में हम डाउ जोन से बढ़िया परफॉर्म करेंगे। इनफैक्ट ये 21वीं सदी के 21 साल भी आप देखो तो इंडियन मार्केट ने डाउ जोन को आउट परफॉर्म किया है रिटर्न वाइज, तो हमारा अल्फा उनसे अच्छा है। दोस्तों हमारा जीडीपी ग्रोथ उनसे दुगने से ज्यादा है, तो निवेशक को समझ जाना चाहिए कि मैं डाउ जोन्स में इन्वेस्ट करूंगा, मैं निफ्टी में इन्वेस्ट करूंगा, मुझे रिटर्न किधर ज्यादा मिलेगा, राइट। बाकी फॉल हर जगह आएंगे, डाउ जोन में भी आएंगे, निफ्टी में भी आएंगे, निफ्टी के स्मॉल कैप में भी आएंगे। हमें यह समझना है मुझे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तगड़ा पैसा मिलना चाहिए, राइट। तो यहां तक की अगर हम बात समझ गए हैं दोस्तों, अब करंट सिनेरियो में हमें यह समझना होगा कि जो आपकी 2200 पॉइंट फॉल की उम्मीद थी, ये जो मार्वलस मार्च था, ये टाइम वाइज सेकंड मंथ था, तो आप सोचते थे कि दो महीना टूटेंगे, वो दो महीना टूट गए, राइट। सो योर टाइम टारगेट हैज बीन क्लियर। आप ये सोचते थे 2200 पॉइंट टूटोगे, 2600 पॉइंट टूट गए आप, तो राइट, तो प्राइस टारगेट इज ऑल्सो क्लियर। दोस्तों इसी वजह से हमने 8 मार्च से एक नई रिकवरी की शुरुआत देखी। ये रिकवरी में अब तक हम कितना रिकवर हुए मार्च महीने में, आइए दोस्तों देख लेते हैं। सो दोस्तों मार्च महीने में हमने जो 8 मार्च से रिकवरी की शुरुआत की, हम 17,560 तक रिकवर हो चुके हैं, यानी जितना टूटे थे, कितना टूटे थे, 2933 पॉइंट्स, हम उसका 61% रिकवर हो चुके हैं जस्ट इन द मिड मंथ ऑफ द फॉलोइंग मंथ ऑफ मार्च, राइट। तो अभी हमारी एंट्री एक्स वेव में हो चुकी है, अब तक हमारी रिकवरी 17,500 यानी करीबन 1900 पॉइंट की रिकवरी हमने देख ली है। ये महीना दूसरा महीना था फॉल का, हमने रिकवरी में भी प्रीवियस मंथ का हाई अभी पार नहीं किया है। हम जरूर बढ़िया रिकवर हुए, बट स्टिल हमारी आदत नहीं है दो महीने से मंथली नया हाई लगाने की, इस चीज को ध्यान में रखिएगा, राइट फ्रेंड्स। ओवरऑल जो फॉल में बाय करते हैं वो लोग वेल्थ क्रिएशन का रास्ता अपने लिए खोलते हैं, जो लोग तेजी में पीछे पीछे पड़ते हैं शेयर के, उनके हाथ दोस्तों अच्छे रिटर्न नहीं लगते। बाय ड्यूरिंग फॉल, अवॉइड बाइंग ड्यूरिंग रिकवरीज। दोस्तों हमने पहले वीडियो में देखा कि मार्च महीने से क्या उम्मीद रखे, इस वीडियो में हमने देखा कि असल में उम्मीदें आपकी जो थी वो असल में मार्च में हुआ क्या। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे दोस्तों अमेजिंग अप्रैल से क्या उम्मीद रखे, तो अप्रैल महीने में निफ्टी क्या रहेगा ये जानने के लिए रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।